भारत में तो बहुत अच्छा है कि जब पापा अम्मा के साथ दोनों का आपस में विवाह होता है तो पूरा जीवन साथ निभाते हैं, पर विदेश में ना बहुत खराब चलन है। वहाँ 6 महीने शादी होती है, फिर 1 साल शादी होती है, फिर अगर पसंद है एक दोनों के साथ रहना तो फिर 2 साल के लिए और उसको बढ़ा लेते हैं। फिर जब उम्र ढलती है तो पता चलता है मम्मी का कहीं और रिश्ता है, पापा का कहीं और रिश्ता है। बच्चे कभी कभी आते हैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने। उनकी बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? कभी कभी दूसरे की बात इसलिए जाननी जरूरी होती है कि हम उनसे कितने अच्छे हैं। जिन्हें हम दूर से देख करके महसूस करते हैं कि हमसे बहुत सुखी जीवन उनका होगा, ऐसा नहीं है। उनके पास भौतिक संसाधन होंगे, पैसे रुपए होंगे, ढेर सारा नया नया सामान होगा, लेकिन जीवन जीने का जो विचार है ना, वो सिर्फ हमारे पास है। और इसीलिए आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि जब विदेशी आते हैं ना तो कई बार वो भारत में शादी करके चले जाते हैं, मतलब छोड़ के नहीं, लेके जाते हैं, कि उनको पता है कि भारतीय जो सोच है, भारत की जो मानसिकता है, वो पूरी दुनिया से बिल्कुल अनुपम है, सबसे अच्छा है। यहाँ एक 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 दिन का रिश्ता नहीं है, 1 महीने का रिश्ता नहीं है, यहाँ तो 7-7 जन्म का रिश्ता है। बल्कि बहुत अब ये एक बड़ी बड़ी समस्या है कि शादी होती है और वहाँ 7 जन्म का होता है ना मामला, कि 7 जन्म हम साथ निभाएंगे। और मान लो पसंद ना आए तब क्या होगा? 7 जन्म साथ रहना पड़ेगा। पसंद नहीं भी आते हैं ना तो भी हम साथ निभाते हैं। देखो सब तो साधु बनेंगे नहीं, यहाँ जो बैठे हैं या तो सब शादीशुदा हैं और नहीं तो कुछ ऐसे हैं जिनकी आने वाले दिनों में शादी होगी, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका लोग हो। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि विवाह एक ऐसा जीवन का घटना है ना कि इस पर आपका थोड़ा भी अधिकार नहीं है। आपके किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिलेगा। आप लाख हाथ पैर पटको, आपके माता पिता कितनी भी कोशिश करें, आपके नसीब में जो है वही मिलेगा। और आपके नसीब में उस साथी से सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, दुख लिखा है तो दुख मिलेगा, और हो सकता है साथ ही साथ दोनों मिले, सुख भी मिले दुख भी मिले। हो सकता है सुख बहुत हो दुख कम हो, दुख बहुत हो सुख कम हो। तो क्या अगर पसंद नहीं आया तो छोड़ के फिर दूसरा, तो क्या गारंटी है कि दूसरा जो जीवन में जुड़ेगा वो पूरा सुख ही सुख देगा? शादी ना एक बंद लिफाफा है, खोलने के बाद पता चलता है। अब आप सोचोगे कि हमको कैसे पता है? हमको पता इसलिए है कि इतने सारे लोग जुड़े होते हैं ना, सब बताते हैं लिफाफे के अंदर क्या क्या है। इसलिए अपने जीवन में निराश नहीं रहना। जो आपका जीवन साथी है उसके साथ सुख से रहो, उसकी सेवा करो। अगर वो अच्छा स्वभाव का नहीं भी है तो हमें पूरा भरोसा है, अगर आप खूब मन से उसकी सेवा करेंगे ना तो पत्थर भी पिघल जाता है, तो आदमी क्यों नहीं पिघलेगा। और ये भी सोचो ना कि उसका अपना स्वभाव है, उसका संस्कार है, उसका पालन पोषण एक खास परिवेश में हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट तो उसके ऊपर रहेगा ना। अचानक कोई नहीं बदलता, कुछ समय लग जाता है बदलने में। हमें नहीं मालूम हम ये बातें क्यों बता रहे हैं, लेकिन कई बार अंदर से जब विषय आता है तो उस पर और भी जुड़ी हुई सारी बातें निकलती हैं।